Hello, check this. Hello. वापस करो, वन दो करो 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 थ्री नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे सही वाले राइट कॉर्नर राइट कॉर्नर राइट सर राइट 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 सही है सही है जी। सबसे पहली बात तो टेनिस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस गेम से। ये वो पहला स्पोर्ट है जो मैं ज़िंदगी में खेला हूँ। मैं 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक टेनिस खेलता था, जूनियर इंटरनेशनल स्कूल लीग खेलता था ITFs। तो बहुत ही मेरा मनपसंद स्पोर्ट है ये। मेरे पिताजी टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, वो एक टाइम पे नेशनल्स खेला करते थे। तो ये एक ऐसा खेल है जो हमारे घर में रोज़ इसकी चर्चा होती है, बहुत सालों तक खेला गया था। तो ये जो टेनिस प्रीमियर लीग हो रहा है और जो कुणाल बोजवानी इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम साथ में ये लीग खेला करते थे, हम ITFs खेला करते थे। तो मैं बहुत बहुत सपोर्टिव हूँ इस लीग का। इसका जो मुद्दा है वो ये है कि नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना गेम दिखा सकें। और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और इस लीग को सपोर्ट कीजिए और एक एग्जिबिशन मैच खेलिए और लिएंडर पेस के साथ, जो इस देश के सबसे बड़े टेनिस हीरो हैं, कमाल के मेरे हीरो रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो रह चुके हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ। जी जी, अगर हम करेंगे तो उम्मीदवार कम हैं पर बहुत अच्छे हैं। लिएंडर पेस हैं, यू नो सानिया मिर्ज़ा हैं, महेश भूपति हैं, ये ऐसे तीन प्लेयर हैं जिन्होंने करंट जेनरेशन में या पिछले 15 से 20 सालों में बहुत कमाल किया हमारे देश के लिए। तो मैं चाहूँगा, मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मुझे कहानी मिले जो टेनिस के बैकड्रॉप को सूट करे। इनमें से किसी की अगर बायोपिक, मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है इस पर। आजकल के ज़माने में क्या होता है, ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, इनकी मैचेस आपने लाइव देखी, इनकी पर्सनल लाइव्स। तो ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि मैं बना सका या लिख सका या डायरेक्ट कर सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा। पर मैं चाहूँगा टेनिस पे कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ बने और हमें देखने का मौका मिले। सुशील है, साथ ही साथ आज इंडस्ट्री की बात हो रही है, न्यूकमर्स की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री में एक नया मुद्दा उठा हुआ है मीटू कैंपेन के थ्रू, काफी लोग का नाम आ रहा है जो कि बॉलीवुड की रीड रीड थे, मतलब जी बेस थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मीटू कैंपेन है, हम सबका सपोर्ट है इसे। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें जो विक्टिमाइज हुए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है अपनी कहानियाँ कहने का, बहुत हिम्मत लगता है। कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि अगर कोई बाहर आके कुछ बोले तो शायद उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी या उन्हें ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू हो या जो ज़माना बदल गया, उस कारण एटलीस्ट हम उन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन पा रहे हैं और हो सके तो जितने भी लोग यू नो गिल्टी पाए जाते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आगे आ रहे हैं वो जेन्युइन केसेस हों, वो जाके अपना जो एक केस है उसे आगे रख पाए, ताकि सिर्फ किसी पे एक फॉल्स एक्यूजेशन ना लगे, वो प्रूव हो, वो जैसे कहते हैं वो गिल्टी साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है हम सब
जितने भी लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे गिल्टी लोग हों उन्हें कुछ ना कुछ जिस कदर हो पनिशमेंट मिले या फिर ऐसी पनिशमेंट मिले जिससे कि आके वो भी सुधर सकें और कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, और जितने भी विक्टिम हैं उन्हें अगर हम कुछ और मौके दे सकें लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑब्लिवियन में चले गए, तो अगर हम उन्हें मौके दे सकें आई थिंक हम सबका सपोर्ट है उन्हें। थैंक यू। वो ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस मत पूछ लेना। एक बार आ जाओ ना। यस। वेल सच बोलू झूठ बोलू कभी लाइफ में टेनिस नहीं खेला, बट इवेंचुअली मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, सो आई थिंक अच्छा है कि ये इनिशिएटिव हो रहा है और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट्स व्हाई वी आर सपोर्ट। या देखा मैंने, वेल आई थिंक वो एक और रीज़न है कि मेरी सारी फ्रेंड्स, मैंने देखा कैप्टन है रश्मि, शिमोना, ऐश्वर्या, सो इट्स वेरी गुड बिकॉज वो लोग सब अपनी तरफ से इस स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, सो इट्स रियली गुड। यस बिल्कुल, क्योंकि मैं वही बोल रही थी कि इंडिया में सिर्फ दो रिलीजन है, एक क्रिकेट है और एक फिल्म्स, तो लेकिन ओवर द इयर्स नाउ थैंक्स टू सो मेनी फिल्म्स एंड आई थिंक व्हाटएवर जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन एंड ऑल आर डूइंग, तो इसकी वजह से फुटबॉल, हॉकी, इन सबको भी हाईलाइट मिल रहा है एंड नाउ दिस, सो इट्स वेरी गुड कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है। थैंक यू। हाँ जी, आप भी रेडियाँ रो रोलिंग। मेरा पूरा सपोर्ट है जी, 100% सपोर्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मेरा नाइट शूटिंग भी है, यहाँ से वहीं भागने वाला हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग पे। तो टेनिस के लिए ये जो कृणाल ने और मुनाल ने जो इनिशिएटिव ले लिया ये बहुत अच्छा किया है, और मेरा बहुत 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 उनको मुबारकबाद भी है और सपोर्ट भी है। और मैं बचपन से बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस भी खेला है, और इसके सारे निशान जो है मेरे नीज पे अवेलेबल हैं। बहुत गिरता था मैं, लेकिन गिर के उठता था और उठ के ही आगे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप सबको भी दोस्तों ये बहुत बधाई है कि ऐसा आपको मौका मिल रहा है, तो आगे बढ़ो, विंबलडन जीत के लाना भाई, बहुत जल्दी लाना है, और इंडिया में ये हम सारी चीज़ें करेंगे। और मेरी तरफ से कुणाल को और मृणाल को बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में पता चलना चाहिए कि इंडिया के लोग जो हैं वो एक ही चीज़ में माहिर नहीं है, वो हर फील्ड में माहिर है। क्योंकि देखिए शुरुआत जो हुई थी वो हमारे ऋषि मुनियों ने, पूरा जो साइंस आज बात करती है वो हमारे ऋषि मुनि बोल चुके हैं, तो भारत में हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये जो सपोर्ट अब आ रहा है धीरे धीरे हर स्पोर्ट्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पर आ जाएगा, और मेरा सपोर्ट, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट सबके साथ है। ओह मोस्ट वेलकम जी। Let the girls do the talking. So Rashmi, आप बताइए क्रिकेट
कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आई थिंक एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ऐसी जैसे टेनिस को आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, बहुत सारे ऐसे जैसे आपने खुद कहा फुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे देखा नहीं जाता या अनदेखा किया जाता है। एंड प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए खेलने की ये बेस्ट टेनिस इज़ द बेस्ट लीग, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो भी बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो खेलना चाहती हैं जिन्हें क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है, और टेनिस में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो मिलेंगे। सो नाउ आई थिंक दिस इज़ द टाइम जो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, एंड फॉर मी इट्स वेरी बिग थिंग। आई थिंक द होल आइडिया इज दैट यू नो टेनिस को हमेशा एक हॉबी की तरह परस्यू किया गया है, बट द होल आइडिया इज़ द फैक्ट दैट TPL इज़ हैपनिंग एंड ऑफकोर्स वी हैड लिएंडर एंड सानिया एंड ऑल ऑफ देम। द होल आइडिया इज़ टू प्रमोट इट एज अ स्पॉट वेयर यू कैन टेक इट अप एज अ करियर, एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल करियर। सो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग, इज़ गोना बी अ बिग पुश फॉर ऑल द यंगस्टर्स इन द कंट्री। I think most of it they both have already mentioned. I would like to you know agree with that. Tennis ko इस तरीके का बढ़ावा नहीं मिल पाया था अभी, एंड दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन राइट फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू यू नो अबव 40, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। नो मैं दो क्लास के लिए गई थी, बट माई शोल्डर इंजरी एक्टेड अप अगेन, तो आई कुडंट प्ले इट अनफॉर्चुनेटली, बट आई विश आई डिडंट हैव द इंजरी, आई वुड हैव कंटिन्यूड प्रॉबेबली। स्ट्रैटेजी एज सच नहीं है, एवरी वन इज हियर एन एथलीट, एवरी वन इज हियर यू नो प्लेयर, एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट, एंड आई पर्सनली वुड लव दैट मेरी टीम जीते, आई थिंक एवरी वन वॉन्ट्स दैट, बट आई मीन मे द बेस्ट प्लेयर, मे द बेस्ट टीम वी, एंड आई थिंक वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स। जब ऑक्शंस भी हो रहे थे एंड जितने जैसे आज हम यहाँ पर है, आई थिंक बाई गॉड ग्रेस वी हैव एवरी थिंग, देर आर प्लेयर्स दे कॉन्ट मूव फ्रॉम द चेयर ऑल्सो, सो they are the players and I think they are far better than us when we started learning tennis. So yeah, dekhte hain, like Pooja said, haan sabko chahiye ki apni team jeete, but everyone is good, so may the best one win. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों के पास वक्त है। TPL इज समथिंग दैट वी हैव ऑल कम अप विद, मृणाल ने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब बताया, आई गॉट रियली रियली एक्साइटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, आई हैव बीन अ स्विमर, आई हैव बीन अ टेबल टेनिस प्लेयर, लेकिन लॉन्ग टेनिस खेलने का कोई मौका नहीं मिला, एंड बचपन में मुझे किसी ने कहा था कि आप नहीं खेल पाओगे, बिकॉज आई ट्राइड लर्निंग इट एंड वो हुआ नहीं। सो वैन ही सेट कि ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आई सेट आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ओनली इफ आई गेट टू लर्न इट, सो ही सेट डन, एंड टेनिस से एक अलग मोहब्बत हो गई, एक अलग प्यार हो गया, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई हैव सीन द काइंड ऑफ टैलेंट दैट दिस कंट्री हैज़। हम लोगों ने जब अपना टैलेंट हंट डे किया था, बहुत सारे लोग आए थे, बच्चे आए थे, बड़े आए थे, बुजुर्ग आए थे, एंड द काइंड ऑफ टैलेंट दैट दिस कंट्री हैज़, इट मेक्स मी वेरी प्राउड। तो इस टैलेंट को शोकेस करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनना बहुत ज़रूरी था, एंड टू बी अ फेस ऑफ वन ऑफ द टीम्स, इट जस्ट मेक्स मी वेरी वेरी ऑनर्ड, वेरी वेरी हम्बल्ड। जी, आई थिंक यू नो मोर देन दैट कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे जिनको बढ़ावा नहीं मिला है, आई थिंक हमें अब ये देखना चाहिए कि कितने सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको अब बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी कंट्री में। लोग हमेशा क्रिकेट को बोलते हैं कि यू नो क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें हैं, क्रिकेट ने अपना एक दर्जा बनाया है बिकॉज इट डिज़र्व्स इट,
एंड बाकी सारे स्पोर्ट्स हैव फॉलोड सूट. आप कबड्डी देख लो, पीपल आर नाउ वॉचिंग कबड्डी. आप हॉकी देख लो, पीपल हैव स्टार्टेड टू नाउ वॉच हॉकी. टेनिस लोग देखते हैं बट टेनिस खेलते नहीं हैं, खेलते भी हैं तो इट्स अ वेरी इट्स अ स्पोर्ट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी यू नो वो ऐसे हाई क्लास का स्पोर्ट समझा जाता है. इट्स नॉट अवेलेबल टू द मासेस. तो हम लोग यही चाहते थे कि जो जितने भी लोग हैं जो इस स्पोर्ट को लेके पैशनेट हैं वो सामने आए एंड वी विल गिव देम द राइट प्लेटफॉर्म. आपकी भी टीम है? जी मेरी टीम है. मैंने खेलना शुरू किया है, मैं पिछले 2 महीने से खेल रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक अलग मोहब्बत हो गई है मुझे टेनिस से. मेरी टीम है ब्लैक पैंथर. बहुत सारा टैलेंट है मेरी टीम में एंड यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक ये टीम्स का हम लोगों ने ये इसलिए रखा है क्योंकि एक कंपेरेटिव स्पिरिट जब आती है तो यू एंड अप डिलीवरिंग योर बेस्ट. सो दैट्स द आइडिया. बट TPL एक पूरी फैमिली है. हाँ 6 टीम्स में हमने बांटा है टू गेट दैट स्पिरिट हाई बट TPL इज़ वन बिग फैमिली. जी मी टू कैंपेन के बारे में मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी जा रही हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसा कुछ हो रहा है. आई थिंक एक क्लीन अप रिक्वायर्ड था लेकिन आई ऑल्सो फील के पर्सनल वेंडेटा भी निकाल रहे हैं लोग. लेट्स नॉट डू दैट एंड यू नो इट्स नॉट अ फाइट अबाउट वुमेन. सिर्फ औरतें एक्सप्लॉयट नहीं होती, मर्द भी एक्सप्लॉयट होते हैं, औरतें भी एक्सप्लॉयट करती हैं. सो दिस मी टू मूवमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद वन जेंडर. इट इज़ अबाउट ह्यूमन डिग्निटी इन वर्क प्लेस एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. थैंक यू. थैंक यू. Guys, these girls have spent so much time in promoting tennis. Please just give them a very big round of applause. Absolutely. So Pooja, tell me honestly, how do you take out time from your busy schedule of acting? Have you taken up or are you going to be supporting it this year? No, I did practice and I have been practicing. And I absolutely love this sport. And in fact, I'm really, really proud that, you know, I was chosen to be a part of you know one of the teams for Tennis Premier League because I think this is one game which is a lot of fun and you know through this platform I think we've really giving a lot of people a great opportunity to shine. Aishwarya just told me that she practices 4 hours a day, you only practice 30 minutes a day. Yes, I think she's the more hardworking one. No, I'm talking about on Instagram, not in real life. It's only on Instagram. That's it. Okay, sir, I'm asking the same question. You think your team is going to win? 100%. 100. Let the audience also decide. Do you think the team owners are confident? You sure? Your team is going to win? Sure? Brilliant. Time's going to tell. May the best team win. Please take your seats. We're going to proceed forward. Guys, we're going to invite Seahawks now. Mahesh Dhanangar and Sumona Chakravarti, can I request you to please join us onto the stage? Give it up for Mahesh and Sumona, ladies and gentlemen. Mahesh, let me start with you. So when they came up to you with the proposal of being a part of this, you know, owning a franchisee, what was your thought? Have you played any sport or tennis in particular? Not really tennis, but when Rinal told me about this sport and the fans, like I just jumped in. The reason is I think this is going to be next IPL, so I just jumped in. Okay, he believes it's going to be a bigger sporting league than any other thing. One, so Mona, what are your thoughts on the same? Do you get time to practice or are you only going to be supporting? Be honest. Rashmi was honest. I love her answer. She said, I'm supporting. It was a tough sport for me to take up. What about you? I agree with Rashmi 1000%. It's a tough sport. It's a very, very tough sport and I think it's a bit too late to start. Hence, it will take a longer time to actually. But you're 70, right? So it's not going to work. Oh, I wish, Gunjan. I really, really wish. Let that long ago. But no, I think the whole idea is to support because I love watching tennis as a game. And I think the fact that Rinal and Kunal actually thought of him, got him on board. So I think I'm very, very honored and very lucky to support the game that I love watching. Superb. Please take your seats and there's lots more coming up. I'm going to invite
the other members as well. The Stallion, ladies and gentlemen, Raju Bhavani, Shailesh Alagia. If I could request to the team owners, and Tejasvi Prakash is the brand ambassador. Give it up. Traffic is on BK. She's shooting for a show. Come here. Don't steal the limelight. Please. You can't be. Sir, aap khelte tennis? Thoda. Okay, maine khela hai. But kabhi kabhi hawa aa jati hai, thoda mushkil ho jata hai. I met a reporter outside. He's like, "Arey sir, ek baar badminton." Sir, tell me honestly, the team owner says that your team is the weakest. I spoke to them. I said, "Which is the strongest team?" वो कह रहे हैं हमारा. जब मैंने पूछा weakest कौन सा, कहता इनका है. No, so you. पता चलेगा. सबसे कमजोर टीम है. सबसे बड़ी. सबसे बढ़िया. सबसे बढ़िया. सुंदर सस्ता टिकाऊ. अच्छा क्या बात. Timberwolves. Raj Tholakia, Raj is here with us. Neeti Taylor is the brand ambassador. Of course, I guess she's also shooting. She couldn't be here. Raj, congratulations. Right. So, main se hi puchunga kaun jeetega, bolenge yehi jeetenge. But how hard is your team practicing? They're doing good. Yeah, I've already won. Give him a big round of applause. Right? And tomorrow, a lot of media will also pick that picture up, put it on their websites also. Please. I would also like to take the opportunity to invite all. First of all, on behalf of the Celebration Sports Club, we welcome you all for this grand event. And we are also thankful for all the sponsors and members over here sitting on the dais. Yeah, it's only Kunal and Vinal who have brought this proposal to us, this event. And in future also, we'll get 100% from our side. Thank you very much for being over here. Thank you. And Yogira Dabhatka, the counselor. चाहे वो बदरी हो या हफ्ती हो, give it up for. अच्छा टी शर्ट में हिट लिख के आते हो आप कि आई एम सुपर. कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. सर मेरे को ना अंदर की खबर ये आई है कि आपकी फिल्मों में कास्टिंग तब होती है जब एक्टर को टेनिस खेलना आता हो. तो फिर तो मैंने कभी फिल्में नहीं बनाई होती. नहीं मैं मेरे को ऐसा सुनने को आया. So I think then the main lead of my next film is going to be Kunal Bojwani because वो बहुत कमाल का टेनिस खेलते हैं. मुझे TPL के बारे में बताया एंड उन्होंने कहा कि इतना एक अमेजिंग इवेंट हो रहा है टू काइंड ऑफ प्रमोट एंड सपोर्ट लोकल टैलेंट. तो मुझे लगा कि इससे अच्छा रीकनेक्शन स्पोर्ट्स से मेरा फिर से नहीं हो सकता था. तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग. आई एम ऑल्सो प्लेइंग विद वन ऑफ माई हीरोज Mr. Leander Pace, and then I can't believe it's almost a dream come true. I was, when we were young kids, we were hoping ki kabhi unke saath khelne ka mauka milega. So I think bachpan mein nahi hua, but it doesn't matter. Ab ho gaya. Brilliant. Looking forward. So Brunal, if you could please present Samantha with a moment here. Can we request these two please present the trophy here? And of course, we got a special token of love from our side. मिलेगा गर्ल्स मिलेगा तुमको भी मिलेगा. डोंट 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 लाइक अरे हमको तो मिला नहीं है. आई नो हाउ